यस, क्या करेगा यहाँ पे सेल, क्या करेगा अगर वायरल इन्फेक्टेड सेल है तो इट विल सिक्रीट द इंटरफेरॉन, और ये इंटरफेरॉन क्या करेगा बाकी सारी सेल को इन्फेक्शन से बचाएगा। तो ये जो आपका ये कौन सा डिफेंस लाइन है बताओ, प्राइमरी सेकेंडरी या फिर टर्सरी? ऑप्शन भी दे दिया, है ना सेकेंडरी वाला है आपका। चलो और अगर मान लो कहां तक करवा दिया था तुम्हारा, अडॉप्टिव करवाना है आज, है ना? तो जो आपका इनेट इम्यूनिटी होता है, इट इज स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक? इनेट इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक? When would it be developed? कब डेवलप होगी आपकी innate immunity? चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है भाई। फास्ट एक्टिविटी और लो एक्टिविटी? यस, कैसी होती है? फास्ट होती है क्योंकि नॉन स्पेसिफिक है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो इट इज स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक? फास्ट और स्लो? फास्ट और स्लो? चलो अब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं, चैट बॉक्स में रिप्लाई करना, कोई भी माइक पे नहीं करेगा, ठीक है? द यूरोनो द म्यूकोसल मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट इज द एग्जांपल ऑफ विच लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम? यस, गुड प्रतिभा, क्वेश्चन रिपीट कर दो। गुड उज्ज्वल बेटा, मैंने पूछा आप लोगों से दैट द म्यूकोसल मेम्ब्रेन, the mucosal membrane of urinogenital tract is the which of the following line of defense system? Yes Simran, good, kaun sa defense system mein ye pucha hai? Acha Pratibha, aaj sabse pehle reply karne ki ichcha se aayi hai, very good. No Diksha, क्या पूछ रही हूं मैं? म्यूकोसल मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट, किसकी है म्यूकोसल मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनो जेनाइटल ट्रैक, बताओ। यस, आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम होता है, कौन सा बैरियर है ये? Which barrier is this? बच्चे स्मार्ट हो गए भाई, पहले ही से थे वैसे तो। नो रितिका, विच बैरियर इज दिस? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है, बैरियर कौन सा है? फिजिकल बैरियर, कौन सा बैरियर है? फिजिकल बैरियर। एक और एग्जाम्पल बताओ, गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल बैरियर एक्सेप्ट म्यूकोसल मेम्ब्रेन, जल्दी जल्दी। यस, गुड गायत्री, यस प्रतिभा, आकाश, उज्ज्वल। अरे बाबा, एक एग्जाम्पल पूछा, एग्जाम्पल। यस, स्किन बेटा, रेस्पिरेटरी ट्रैक तो इसलिए बोला गया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक की म्यूकोसल मेम्ब्रेन है ना, वहां पे पाया जाएगा, वो आपका साइट बताया, बट फिजिकल बैरियर है क्या आपका? स्किन एंड म्यूकोसा मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन द सलाइवा? विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा? डाइजेशन के लिए पूछ रही हूँ क्या भाई? पूरा लिख दो, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा
फॉर इम्यूनिटी। अभी ठीक है भाई, डाइजेशन वाले एंजाइम बताने लग गए, गलत ही बात है। कल तो थी भी क्लास में हर्षी। यस, कौन सा है आपका लाइसोजाइम? क्या होता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द लाइसोजाइम? नेचर क्या है इसका? व्हाट इज द नेचर ऑफ द लाइसोजाइम? एंटी बैक्टीरियल। कौन सा नेचर है इसका? एंटी बैक्टीरियल। ठीक है, क्लियर इतना। दूसरा, और कहां पाया जाता है लाइसोजाइम? और कहां पाया जाता है लाइसोजाइम? यस, कहां? लाइसोजाइम, दीक्षा, लाइसोजाइम कहां पाया जाता है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजियोलॉजिकल बैरियर। जब मम्मी से डांट पड़ती है तो लाइसोजाइम पाया जाता है या नहीं पाया जाता? बिल्कुल पाया जाता है। कहां पाया जाता है? टीयर्स में, है ना, आंसुओं में पाया जाता है आपका लाइसोजाइम। क्या है? एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाला है, ठीक है, बैक्टीरिया को किल करेगा। दूसरा आपका सेल्यूलर बैरियर। गिव मी द एग्जांपल ऑफ सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर का एक एग्जांपल बताओ जल्दी से। यस, वेरी गुड। What is the full form of PMNLS? What is the full form of PMNLS? बता जल्दी। पलटने लगे नोट्स। यस, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट स्टार्ट करें। क्या पढ़ रहे थे हम? एडॉप्टिव एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या पढ़ेंगे आज आप? एडॉप्टिव एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दैट मीन्स ये कब डेवलप हुई है बेटा? बाय बर्थ डेवलप हुई है क्या? बोलो जल्दी। कब डेवलप हुई है? लाइफ टाइम। यस, लाइफ टाइम में धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस के साथ क्या होती गई? ये डेवलप होती गई। ठीक है, तो कौन सा डिफेंस लाइन है ये आपका? इट इज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, है ना। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मतलब एकदम अंदर आपका बैक्टीरिया आ चुका है। स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक इन नेचर? स्पेसिफिक। फास्ट और स्लो? एंड स्लो। जैसा रिस्पॉन्स देंगे, स्लो स्लो। ठीक है, पहले पहचानेगा, फिर क्या करेगा? सेल्स बनाएगा, फिर उस पर एक्शन ऑफ मैकेनिज्म करेगा। कैसे करेगा अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला कौन सा टाइप होता है बेटा आपका? ह्यूमरल। ह्यूमरल मीडिएट आपका इम्यूनिटी। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी, या फिर इसी को और क्या बोला जाता है? एंटीबॉडी मीडिएटेड। मतलब क्या बनेंगे बेटा यहाँ पे? एंटीबॉडीज बनेंगे, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड।
Have you read the NCERT? Yes, ma'am. Everything has cleared over there or not? Yes, ma'am. बढ़िया ठीक है किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है एनसीईआरटी में नो मैम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें जहां तक मैंने कल कराया था वहां तक होप सो यू हैव रीड दैट तो सारी चीजें मिली होंगी अच्छा तो किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे अभी हम आज आपने सेल क्या क्या लिखा है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी Yes, ma'am, done. हाँ जी ठीक है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले बेटा क्या होगा एक पैथोजन आएगा है ना सबसे पहले क्या होगा पैथोजन आएगा कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो एंटर्स into the body first time ठीक है पहली बार एक एंटीजन सॉरी आपका एंटीजन भी बोल सकते हैं इसको एक मिनट अच्छा हाँ ओहो वो तो कराया भी तो नहीं है ऋतिका मलेरिया हैज नॉट डन है ना आपका प्लाज्मोडियम का जो साइकिल है पढ़ा होगा थोड़ा सा बता दूं प्लाज्मोडियम का साइकिल प्लाज्मोडियम है क्या बेटा आपका प्लाज्मोडियम फल्सिफेरम सबसे कॉमन वाला है वो क्या करता है मलेरिया कॉज करता है क्या करता है बेटा ये मलेरिया कॉज करता है लेकिन इसका वेक्टर क्या होता है आपका वेक्टर क्या है इसका फीमेल एनाफिलिस तो इस मॉस्किटो के अंदर एक लाइफ साइकिल पूरा करता है और एक लाइफ साइकिल क्या करता है जाकर के ह्यूमन बॉडी में करता है तो देयर आर टू लाइफ साइकिल्स ऑफ द प्लाज्मोडियम ठीक है कल डिटेल में पढ़ाऊंगी ठीक है पूरा लाइफ साइकिल पढ़ाना होगा वो तुम लोगों को थोड़ा सा होगा साइटोकाइन आपका बैरियर दीक्षा देखो साइटोकाइन बैरियर क्या है बेटा यहाँ पे क्या हुआ एक क्या थी सेल थी ठीक है एक सेल थी इस सेल में यहां पे क्या हुआ एक आपका कौन आया कोई वायरस ठीक है इस सेल में क्या आया वायरस आया अब इस ये जो आपकी इंफेक्टेड सेल थी इसने क्या किया यहां पे साइटोकाइन्स जो बैरियर्स होते हैं ये क्या करते हैं आपके जैसे ही इस सेल को एक वायरस ने इन्फेक्ट किया तो इसने इंटरफेरॉन बनाने शुरू कर दिए क्या बनाने शुरू कर दिए इंटरफेरॉन और ये इंटरफेरॉन बाकी सारी सेल्स को इन्फेक्शन होने से क्या कर लेगा प्रिवेंट कर लेगा बचा लेगा ठीक है ये इंटरफेरॉन्स बेटा ग्लाइकोप्रोटीन है टाइप ऑफ नहीं है ठीक है ग्लाइकोप्रोटीन मतलब इंटरफेरॉन है क्या एक ग्लाइकोप्रोटीन है दैट मीन्स प्रोटीन में ग्लूकोज जुड़ा हुआ है विच इज कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन ठीक है तो ये क्या कर रहा है आपका ग्लाइकोप्रोटीन एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है बाकी सारी सेल्स को बचा रहा है क्या इन्फेक्शन होने से ठीक है आई बात समझ में क्लियर है यस मैम थैंक यू मैम ठीक है प्लाज्मोडियम वाला मैं कल पूरा लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगी अभी स्टार्ट कर दिया तो पहले ये पढ़ाऊंगी पहले पूछ लेते तो वही पढ़ाती पहले ठीक है चलो यहीं से देखते हैं अभी तो पैथोजन आ गया हमारी बॉडी में एंटर किया ठीक है अब क्या होगा अब बॉडी इसको पहचानेगी ठीक है बॉडी इसको क्या करेगी रिकॉग्नाइज करेगी और फिर क्या करेगी इसके लिए कुछ सेल्स को जनरेट करवाएगी जो जाकर के इससे फाइट करे आ रही है बात समझ में ठीक है तो क्या होगा यहाँ पे देखो ये सेम वैसे ही प्रोसेस है कि क्या हुआ आपने गार्ड बैठाए हुए थे ठीक है आपने गेट पे गार्ड बैठाए हुए थे कोई आया तो गार्ड था बैठा ही इसलिए था देखते ही उसने क्या किया उसके ऊपर अटैक कर दिया ठीक है उसको कोई ऐसा सस्पेक्टेड इंसान लगा कि भाई ये जो है ना वो डेंजर हो सकता है यहाँ के लिए घर के लिए तो वो क्या करेगा उसके ऊपर अटैक करेगा ठीक है एक तो ये तरीका हो गया दूसरा क्या हुआ गार्ड नहीं थे आपके पास ठीक है अंदर आ गया वो अब अंदर आया और आपने देखा तो आप क्या करोगे
जाके घर में बाकी लोगों को उठाओगे या नहीं उठाओगे बताओ? पहले उठाओगे, वो लोग देखेंगे समझेंगे भैया क्या है, कैसा है, कौन आदमी है, कुछ ऐसा तो नहीं हथियार वगैरह लिया हुआ, पहचानेंगे उसको, है ना? एकदम सीधे जाके तो अटैक करेंगे नहीं, तो प्रोसेस स्लो होगी या फास्ट होगी ये बताओ? स्लो स्लो प्रोसेस भाई, पहले पहचानेंगे, देखेंगे, समझेंगे क्या करना चाहिए, ठीक है, किस तरह का इंसान है। अगर 2 से 4 लोग हैं तो फिर हम चलो पुलिस को कॉल करते हैं, है ना, आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन कोई एक अकेला है तो क्या कर देंगे, फिर घर के लोग ही उससे जाकर के अटैक करेंगे। तो स्लो रिएक्शन होगा, रिकॉग्नाइज करेगा पैथोजन, है ना? तो रिएक्शन कैसा होगा बेटा यहाँ पे? स्लो रिएक्शन होगा, पैथोजन आया, स्लो रिएक्शन हुआ, और उसके बाद इसने कुछ सेल्स को जनरेट करवाया और यहाँ पे कुछ सिम्टम्स जनरेट हुए। क्या जनरेट हुए? कुछ सिम्टम्स, जिनमें से सबसे कॉमन सिम्टम्स कौन सा होता है आपका? फीवर, है ना? मलेरिया हुआ तो भी फीवर आ गया, होता है ऐसा, ठीक है? तो फीवर क्या है आपका? फ्लू हुआ तो भी फीवर आ गया, ठीक? तो फीवर क्या है आपका? एक सिम्टम्स है। दूसरा, इस रिस्पॉन्स को हमने बोला क्या? ये आपके सिम्टम्स तक जब तक बने तो हमने इसको बोला प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या बोला बेटा इसको? प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो जब पैथोजन आया तो इसको पहचानने में जो टाइम लगा और सिम्टम्स जनरेट हुए, ये आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स है। इस प्राइमरी रिस्पॉन्स के बाद क्या बनेगा? 2 तरीके हो सकते हैं, या तो बी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, या फिर क्या बन जाए आपकी? टी सेल्स। क्या बन जाए आपकी? टी सेल्स, ठीक है। तो अगर बी सेल्स बनती है तो ये 2 तरीके से बनेगी, या तो प्लाज्मा सेल्स बनवाएगी। क्या बनवाएगी बेटा? प्लाज्मा सेल, ठीक है, और ये प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे एंटीबॉडी। क्या बना देंगे ये आपके? एंटीबॉडी, यानी कि आपका कौन सा सिस्टम चल रहा है? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। या फिर क्या करेगी? 2 चीजें, एक तो प्लाज्मा बनाएगी, दूसरी बनाएगी मैमोरी सेल। क्या बनाएगी दूसरी आपकी? मैमोरी सेल, ठीक है। तो प्लाज्मा ने जो एंटीबॉडी बनाई उसको पहचान के याद किसने कर लिया? मेमोरी सेल ने। किसने याद कर लिया? रितिका, आई डिडंट गेट योर पॉइंट बेटा, थोड़ा क्लियरली लिखो, ठीक है। तो अब ये क्या होगा आपका? अब टी सेल्स क्या बनाएंगी? टीसी सेल्स, मतलब आपका टी साइटोकाइनिन सेल्स। दूसरी क्या होती है आपकी? टी हेल्पर सेल, और क्या होती है? टी मेमोरी सेल्स। तो 3 यहाँ पे भी बन गई, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे? ये जो प्लाज्मा सेल्स थी, इन्होंने क्या बना आपका? एंटीबॉडीज बनाया और उस सेल को किल कर दिया। या आपके टीसी सेल और टीएच सेल्स ने क्या किया? डायरेक्ट क्या किया? उस सेल्स को किल कर दिया जो आपके पैथोजेंस थे। यहां तक क्लियर है सबको? बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो यहां तक सबको क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं? नोट कर लिया सबने? यस मैम। मैम अब देखो, अब हो सकता है यहाँ पे क्या हुआ हो। हाँ, अभी आगे बताऊंगी कि कब बी और कब टी, ठीक है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बनेगा। जहां आपका एंटीबॉडी वाला मैकेनिज्म होगा वहां पे बी सेल को टारगेट करेगा, ठीक है, और जहां पे आपका सेल के थ्रू हो रहा है आपका डायरेक्ट लाइसिस, वहां पे क्या होगा? टी सेल्स एक्टिवेट होंगी, ठीक है। अब देखो, ये पहली बार का प्रोसेस था तो स्लो हुआ, पहचाना, किया तब बनाया। लेकिन अगर क्या होगा, यही वाला पैथोजन दोबारा आ गया तो? यही वाला पैथोजन क्या होगा आपका? दोबारा आ गया तो क्या होगा? इफ पैथोजन, कौन सा वाला पैथोजन? सेम पैथोजन, ठीक है, ये इसी के आगे का चार्ट बना रही हूं मैं। इफ सेम पैथोजन enters into the body for the second time, enters into the body for second time, ठीक है। अब देखो क्या होगा बेटा, अब सारे एंटीबॉडीज बने हुए थे, तो एंटीबॉडीज जब बने थे तो इन्होंने क्या बनाया था साथ में? यहाँ देखो, मेमोरी, ठीक है, मेमोरी सेल्स बनाई थी, और यहाँ पे भी क्या बनाई थी?
सी मेमोरी सेल्स। तो दोनों जगह मेमोरी सेल्स बनी हुई है। मेमोरी सेल्स ने क्या किया, याद कर लिया कि भाई ये वाला पैथोजन आता है तो ये वाली एंटीबॉडी बनानी है। उसने क्या किया, बस देखा कि बी सेल्स ने प्लाज्मा बनवाई थी आपकी और इस प्लाज्मा ने ये वाली एंटीबॉडी बनवाई थी। कब, जब कौन आया था, ये वाला पैथोजन आया था, तो याद कर लिया इसने, ठीक है, इसको याद हो गया। अब ये क्या करेगा, अब नेक्स्ट टाइम पे ये सेम करेगा, सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे घर पे मेहमान आए, ठीक है, तुम देख रहे थे कि अच्छा ये वाली आंटी आई तो मम्मी ने टैंग बना के पिलाया था भाई, ठीक है, अगली बार वो आएंगी मम्मी नहीं थी तो तुम्हें पता है कि क्या पिलाना है, इनको टैंग बना के पिला देते हैं, है ना, तुमने रिकॉग्नाइज किया अच्छा ये आए थे तो ये करना था, हम भी यही कर देते, तो बॉडी ने भी पहचान लिया। फिर से वही पैथोजन आया तो अब क्या होगा, स्लो स्लो होगा या फास्ट फास्ट होगा, अब पहचान तो लिया है तो अब होगा फास्ट रिएक्शन, है ना, क्योंकि अभी पहचानना है ही नहीं, अब उसको याद है, ठीक है, तो अब एक्टिवेट कौन होगा, या तो आपका बी मेमोरी सेल या फिर कौन एक्टिवेट होगा, टी मेमोरी सेल, ठीक है, अगर टी सेल वाला था तो टी मेमोरी सेल या फिर आपका बी मेमोरी सेल। अब ये बी मेमोरी सेल बनाएगा क्या बेटा, प्लाज्मा, क्या बनाएगा, प्लाज्मा, और फिर क्या किसमें चेंज हो जाएगा, क्या बना लेगा वहां से, एंटीबॉडी, और ये जो आपका टी मेमोरी सेल्स था ये क्या बनाएगा आपका, फिर से टीएम एंड क्या बना लेगा, टीसी, साइटोकाइनेंस वाली सेल, ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ये वाला जो रिस्पॉन्स हम पढ़ रहे हैं, ये वाला पूरा रिस्पॉन्स, ये कौन सा रिस्पॉन्स है आपका, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है, वो वाला कौन सा था, जब पहली बार पहचाना और सिम्टम्स जनरेट किए, फीवर आ गया, ठीक है, स्नीजिंग होने लगी, कुछ भी कोई सा भी फीवर जनरेट हुआ, वो कौन सा था आपका, बताओ जल्दी, प्राइमरी रिस्पॉन्स था, ये कौन सा आपका, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है, कौन सा रिस्पॉन्स जनरेट हुआ यहाँ पे, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, क्लियर यहां तक सबको, ठीक है, ठीक, राइट डाउन कर लो सब, टीसी सेल, टी साइटोकाइन, सीसी है, अभी पढ़ते हैं आपका एंटीबॉडी मीडिएटेड को डिटेल में, थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आया, यस मैम, तो यहाँ पे ह्यूमरल इम्यूनिटी को पढ़ते हैं, ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी को और क्या कहा जाता है बेटा, एंटीबॉडी मीडिएटेड, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना, टी हेल्पर सेल्स, ठीक है, थायमस से निकलने वाली आपकी टी सेल्स जो होती हैं उनमें वेरिएंट होते हैं टी हेल्पर सेल्स, ठीक है, अभी पूरा एक एक चीज का मैकेनिज्म आगे बताऊंगी कि कौन क्या कैसे निकल रहा है और क्या कर रहा है, ठीक है, और क्यों निकलेगा और क्यों नहीं निकलेगा, ठीक है, थोड़ा सा भी पेशेंस, ठीक है, चलो ये क्या करवा रहे हैं बेटा आपका, क्या बनवा रही हैं, बी सेल बनवा रही हैं, क्या बनेगी यहाँ पे, ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी सेल बनेगी, ठीक है, कहाँ से बन रही है बेटा आपके, बोन मैरो से, फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है बोलो, बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो के किसमें, फ्लूइड में, ठीक है, क्या बन रही है आपकी, बी सेल्स बन रही हैं, ठीक है, तो दो तरीके की होंगी बी सेल्स, कौन कौन सी, एक होगी आपकी बी प्लाज्मा और दूसरी सेल्स कौन सी होंगी आपकी, बोलो, मेमोरी सेल्स, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी बनाएगा वो कौन बनाएगा, प्लाज्मा, ठीक है, और ये एंटीबॉडी है क्या, बड़ी देर से मैं बोल रही हूँ एंटीबॉडी एंटीबॉडी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी है क्या बेटा, प्रोटीन्स हैं, क्या है आपके, कुछ प्रोटीन्स हैं जो क्या करते हैं, एंटीजन के खिलाफ जाकर के उससे बाइंड करते हैं और उसको क्या करते हैं, कॉगुलेट कर देते हैं, ठीक है, तो हमेशा एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, एंटीबॉडीज फाइट करती है किससे, एंटीजन, एंटीजन, ठीक है, तो आपका जो बी मेमोरी सेल्स है ये कहाँ काम आएगी,
सेकेंडरी रिस्पॉन्स में। इसका काम अभी कुछ नहीं है, कब काम आएगा, जब नेक्स्ट टाइम फिर से पैथोजन आया तो ये क्या करेगा, आकर के यहाँ पे सेकेंडरी रिस्पॉन्स देगा, तब फिर ये मेमोरी सेल्स क्या बनाएंगी वापस से, प्लाज्मा, और वो प्लाज्मा फिर से क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्लियर? यस ठीक है। धीरे धीरे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं भाई, धीरे धीरे उन्हें याद आ रहा है, अरे आज बायोलॉजी की क्लास भी थी, पढ़ लेते हैं चल के। चलो अभी क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। ये एंटीबॉडी होती कैसे है, तो इसका स्ट्रक्चर देख ले। यहां पे बेटा क्या होता है, दो हैवी और दो लाइट चेन पाई जाती है। एंटीबॉडीज में क्या पाई जाती है बेटा आपकी, दो हैवी चेन और दो लाइट चेन पाई जाती है। तो पहले मैं हैवी चेन बना लू, ये और ये और ये और ये, कितनी हो गई, दो चेन हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये क्या है आपकी, टू हैवी चेन्स। ये क्या है आपकी, हैवी चेन्स। दो हैं, बोलो, एक इधर और एक इधर, दो दिख रही हैं सबको, एवरीवन। अब एक आपकी क्या होती है, ये एक इधर लाइट चेन और ये एक इधर लाइट चेन, तो दो लाइट चेन दिख रही है क्या? Yes, ma'am. स्क्रीन पे सबकी आंखें फिट कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होता है, ये जो आपके एंटीबॉडीज बनते हैं ये आपके 16 डाइसल्फाइड लिंकेज से बने होते हैं। ये प्रोटीन आपके बने कैसे होते, प्रोटीन है ना, क्या है ये, प्रोटीन है। तो 16 डाइसल्फाइड आपके लिंकेज यहाँ पाए जाते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, दो चीजें आएंगी आपकी, क्या यहाँ पे ये जो रीजन है आपका, ठीक है, इसको मैं आधा आधा कर दूं, सपोज ये यहां से यहां तक, तो ये जो रीजन है आपका यहां से ये वाला रीजन, ये कहलाता है वेरिएबल रीजन। ये क्या कहलाता है बेटा आपका, वेरिएबल रीजन, ठीक है, क्लियर। और ये जो रीजन है यहां से इसके आगे वाला रीजन, ये रीजन क्या कहलाता है आपका, कांस्टेंट रीजन। तो वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन समझ में आया? यस मैम। मतलब वेरिएबल रीजन चेंज होता रहेगा आपका एंटीबॉडीज टू एंटीबॉडीज, किसके लिए, यहीं पे बाइंड होते हैं आपके क्या, ये जो वेरिएबल रीजन है ना, इसके इस वाले पार्ट पे, कौन से वाले पार्ट पे, ये वाले पार्ट पे जिसको मैंने सर्कल किया है, यहीं पे आपके क्या बाइंड होते हैं, एंटीजन। तो इनका नाम क्या है, पैराटो। इनका नाम क्या है बेटा, पैराटोप्स, ठीक है। ये पैराटोप्स पे ही कौन आकर के बाइंड करेगा, बाइंड विथ एंटीजन, ठीक है। कौन आकर के बाइंड करेगा, पैराटोप आकर के बाइंड करेंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे आपके यहाँ पे, मतलब पैराटोप से कौन आके बाइंड करेगा, सॉरी थोड़ा सा वो हो गया था, ठीक है। पैराटोप पे आके बाइंड कौन करेगा आपका, एंटीजन आकर के बाइंड करेंगे, ठीक है। क्लियर इतनी चीजें, स्ट्रक्चर क्लियर? यस मैम। क्लियर सबको, मुझे कैसे पता चले कि क्लियर है? अब मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ, बताओ ये क्या ड्रॉ किया मैंने, ये क्या ड्रॉ किया जल्दी जल्दी बताओ, क्या है ये आपका, हैवी चेन। फिर मैंने ये क्या ड्रॉ किया, ये क्या है तुम्हारी, लाइट चेन, यस। फिर यहाँ पे मैंने ये वाले रीजन की अगर मैं बात करूँ, ये वाला रीजन, ये इतना हिस्सा, तो ये कौन सा रीजन है आपका, वेरिएबल रीजन। बाकी इसके नीचे वाला कौन सा रीजन है, कांस्टेंट रीजन। मतलब चेंजेस कहाँ आएंगे बार बार, रीजन में, एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी, ये जो हिस्सा, ये और ये, ठीक है। ये क्या है बेटा आपका, क्या कहलाएगा, पैराटॉप्स, क्या कहलाएगा, पैराटॉप्स। पैराटॉप्स पे कौन आकर के बाइंड होगा, एंटीजन। तो क्लियर ये सारी चीजें, Yes. पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, लाइट चेन, हेवी चेन,
क्लियर no, no. कितनी लाइन मैम डाइसल्फाइड लिंकेज क्या है क्या बेटा डाइसल्फाइड लिंकेज हाँ कितने यहाँ पे लिंकेज पाए जाएंगे आपके इस प्रोटीन में 16 ठीक है अब मुझे एक बात बताओ कितनी हैवी चेन थी कितनी लाइट चेन थी मैम टू हैवी चेन एंड टू लाइट चेन क्लियर सबको ये अब yes, देखो yes. एक पॉइंट और लिख लो कि जो आपका एंटीजन होगा एक एंटीजन अगर मैं बोलूं ईच एंटीजन कितनी एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक होगा बताओ नो एक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगी एक एंटीजन है आपका तो उसके लिए क्या होगा एक एंटीबॉडी बनेगी पायल कौन सी वाली प्रीवियस स्लाइड चाहिए थी बेटा ये वाली यस मैम यस मैम ठीक है तो ईच एंटीजन हैज स्पेसिफिक एंटीबॉडी मतलब हर एंटीजन क्या करेगा एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाएगा तभी तो वो पैराटोप से आके बाइंड होंगे ठीक है इसीलिए तो वो वेरिएबल रीजन है क्योंकि हर एंटीबॉडी का एंटीजन के साथ इंटरेक्शन अलग अलग है क्लियर यस मैम ठीक है चलो एंटीबॉडीज पे आ जाए अभी यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बताओ भाई जल्दी नो मैम नो मैम चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी पे प्रीवियस स्लाइड चाहिए किसी को लिख लो यस मैम डन टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज ठीक है एंटीबॉडीज के टाइप देख लेते हैं तो एंटीबॉडीज के बेटा कितने टाइप होते हैं पॉलीक्लोनल एंड मोनोक्लोनल कौन कौन से टाइप होते हैं पॉलीक्लोनल पहला टाइप हो गया दूसरा टाइप क्या हो गया मोनोक्लोनल ठीक है तो एक तो तुमको चीजें समझ में आई गई होंगी ठीक है पॉली एंड मोनो समझ में आ रहा है यस मैम यस मैम ठीक है मतलब ये जो एंटीबॉडीज बन रही हैं क्लोन हो रही हैं ठीक है क्लोन हो रही है इनकी कॉपीज बन रही एंटीबॉडीज की वो कितनी है यहाँ पे मैनी कैसी है मैनी और यहाँ पे कैसी है आपकी वन ठीक है ठीक है एक ही एंटीबॉडी के मैनी क्लोन्स बन रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज के क्लोन बन रहे हैं आ रही है बात समझ में Yes, ma'am. यहाँ पे एक से ज्यादा एंटीबॉडीज के क्लोन बनेंगे और यहाँ पे क्या होगा एक ही एंटीबॉडी के डिफरेंट क्लोन्स बनेंगे ठीक है क्लियर चलो लिख लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट ठीक है जैसे ब्लड में पाई जाती है यस मैम क्वेश्चन पूछूं 11th का यस मैम पूछ लूं क्वेश्चन ब्लड पढ़ा है सबने बताओ चैट बॉक्स में फटाफट ब्लड पढ़ा है सबने yes. किसने किसने ब्लड अच्छे से पढ़ा है मेरे अच्छे बच्चे यार सबने पढ़ा है ब्लड चैट बॉक्स में रिप्लाई करोगे ठीक है कहाँ रिप्लाई करोगे चैट बॉक्स में अब एंटीबॉडी की बात आई गई है तो थोड़ा नॉलेज बढ़ा ही ले हम है ना चलिए ठीक है ब्लड में कितनी बेटा कैसी एंटीबॉडीज डेवलप होंगी पॉलीक्लोनल एक से ज्यादा एंटीबॉडीज बनेंगी ठीक है तो एक बात बताओ जैसे ए बी एंटीबॉडी है ना तो ए वाली भी बन रही है बी वाली भी बन रही है दो हो गई ना तो मोनोक्लोनल है पॉलीक्लोनल है पॉलीक्लोनल है ठीक है मैंने यहाँ एग्जाम्पल में भी लिख दिया है तो पॉलीक्लोनल ही होगी ठीक अब मेरी बात सुनो ये पाया जाता है व्हाट आरबीसी रेड कलर से बनाऊंगी आरबीसी है तो भाई रेड कलर से बनना चाहिए ठीक है ये क्या है तुम्हारा आरबीसी इस आरबीसी की सरफेस पे अगर ब्लड अच्छे से पड़ा है सबने तो क्या पाए जाते हैं बेटा एंटीजेंस क्या पाए जाते हैं इस पे एंटीजेंस पाए जाते हैं अब मुझे जरा ये बता दो तुम कि ये जो एंटीजेंस पाए जा रहे हैं अरे यार मैंने तो खुद ही बता दिया तुम्हें ठीक है चलो
ये जो एंटीजेंस पाए जा रहे हैं ठीक है, इनकी एंटीबॉडीज कहाँ पाई जाएंगी? मैम क्वेश्चन रिपीट करना। आरबीसी की सरफेस पे पाए जाते हैं एंटीजन, आरबीसी की सरफेस पे पाए जाते हैं बेटा व्हाट एंटीजन, तो इनके एंटीबॉडीज कहाँ होंगी? जिन किसी का ब्लड ग्रुप सिस्टम क्लियर नहीं है उनका भी आज हो जाएगा 5 मिनट, ठीक है, तो बने रहना साथ में। चलो खामोशी हो गई बहुत ज्यादा। प्लाज्मा में कहाँ पाई जाएगी एंटीबॉडी बेटा इसकी? प्लाज्मा में। इतनी चीज क्लियर? तो ब्लड की सरफेस पे, आरबीसी की सरफेस पे क्या पाया जा रहा है? एंटीजन। एंटीजन कहाँ पाया जा रहा है? सरफेस पे, ठीक है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एंटीबॉडी कहाँ बन रही है? आपके सीरम में या फिर प्लाज्मा में? क्लियर इतना? अब सपोज यहाँ पे एंटीजन कौन सा पाया जा रहा है? ए एंटीजन। कौन सा एंटीजन पाया गया यहाँ पे? ए एंटीजन। तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा। कौन सा ब्लड ग्रुप होगा बेटा? ए ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप होगा। तो जो सा एंटीजन पाया जाएगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। मतलब किसी का ब्लड ग्रुप बी है, दैट मीन्स उसकी आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन है? बी एंटीजन, ठीक है। किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसकी आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है? बताओ जल्दी से। ए बी एंटीजन। किसी की आरबीसी की सरफेस पे एक भी एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चों? बताओ जल्दी से। होगा। क्लियर? बोलो यस। क्लियर? ठीक है, अभी एक चीज और बता देती हूँ, ठीक है। अब इसकी एंटीबॉडी कहाँ बन रही है? प्लाज्मा में। कहाँ बन रही है इस एंटीजन की एंटीबॉडी? प्लाज्मा में। तो एंटीजन की एंटीबॉडी बन रही है, एंटी मतलब उल्टा, तो अगर ए एंटीजन है तो कौन सी एंटीबॉडी बनेगी बेटा यहाँ पे? बी। कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? जस्ट अपोजिट। कौन सी बनेगी? बी। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मेरे अंदर एंटीबॉडी कौन सी है? ए। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कौन सा है मेरे पास? बी। और एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? ए एंटीबॉडी। आ रही है बात समझ में? अब ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी दोनों आपस में इंटरेक्शन करके कोगुलेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो मतलब ब्लड कोगुलेट हो जाएगा, जम जाएगा, है ना, थक्का बन जाएगा ब्लड का। तो अगर किसी और का ब्लड ग्रुप किसी और में दे दिया तो क्या होगा? डेथ हो जाएगी। तो दिया जाता है क्या? नहीं। क्या करने पहले चेक करते हैं। तो अब एक बात बताओ, चलो एक ब्लैंक स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। किसी का ब्लड ग्रुप ए है मतलब उसमें एंटीजन कौन सा? जल्दी बताना। एक तरफ मैं एंटीजन लिख रही हूँ, एक तरफ एंटीबॉडी। तो एंटीजन कौन सा है? ए। तो एंटीबॉडी कौन सी है बेटा? बी। अगर आपका बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? ए। अगर किसी के पास ए बी एंटीजन है मतलब ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? जीरो, ठीक है, कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। नो, नो एंटीबॉडी, ठीक है। अगर किसी के पास कोई सा एंटीजन नहीं है तो इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? ए और बी? ए बी दोनों, ठीक है। क्लियर है ये चीज? ठीक। तो अगर हमें ब्लड, हम दो चीजों की बात करते हैं, एक होता है यूनिवर्सल डोनर, एक क्या होता है हमारा यूनिवर्सल डोनर जो सबको दे सकता है, और एक होता है हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर। एक्सेप्ट वही करेगा जिसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। जिसको भी आना आ जाओ, हमारे पास एंटीबॉडी है ही नहीं तो हम किसी के एंटीजन से रिएक्ट करेंगे ही नहीं। तो एक्सेप्टर कौन है बेटा यहाँ पे? ए बी। डोनर कौन होगा? जिसके पास कोई एंटीजन नहीं होगा। इसके पास कोई एंटीजन नहीं होगा भाई, वो किसी को भी दे सकता है ना, कोई एंटीजन ही नहीं है तो कौन सा वाला होगा आपका डोनर? ओ, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर है यहाँ से? ठीक है, ब्लड का नाम आ गया, एंटीजन एंटीबॉडी का आ गया, मैंने सोचा ये इतना भी पढ़ा दूं, नहीं पता हो बच्चों को तो पता चल जाए, ठीक है।
ओ ओ नेगेटिव है वंशिका या फिर ओ पॉजिटिव? ओ पॉजिटिव. ठीक है, तो ओ नेगेटिव वाला डोनर होता है. यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? ओ नेगेटिव वाला. और ए बी पॉजिटिव वाला क्या होता है आपका बेटा? एक्सेप्टर. आप पूछो ऐसा क्यों मैम, नेगेटिव वाला क्यों नहीं हो सकता एक्सेप्टर, पॉजिटिव वाला डोनर क्यों नहीं हो सकता? यस आकाश ने पूछ भी लिया ऐसा क्यों मैम. ऐसा इसलिए बेटा आपका जो निगेटिव एंड पॉजिटिव है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर एच फैक्टर. अगर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो इट इज पॉजिटिव, और आर एच फैक्टर अगर नहीं प्रेजेंट है तो इट इज निगेटिव. ठीक है, अब आर एच फैक्टर भी तो एंटीबॉडी बनाएगा. yes, बनाएगा या नहीं बनाएगा? ठीक है. yes, ठीक बेटा, किट आती है उसके थ्रू पता चलता है रचिका. ठीक है, आर एच फैक्टर भी क्या करेगा बेटा? एंटीबॉडी बनाएगा. ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे बी पॉजिटिव के पास क्या होगा आपका, इसे लेना है. इसे क्या करना है बेटा? लेना है. तो अगर इसके पास क्या होता है, कोई सा भी निगेटिव वाला भी इसे देता है तो फिर इससे तो कोई इंटरेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि निगेटिव के पास तो कोई आपका एंटीजन है ही नहीं. लेकिन पॉजिटिव वाला भी देता है तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये खुद भी पॉजिटिव है ना. लेकिन अगर ये निगेटिव होता और इसमें पॉजिटिव डाल दिया जाता तो इंटरेक्शन होता या नहीं होता? yes, तब हो जाता इंटरेक्शन, है ना. और ओ निगेटिव वाले को देना है. ओ निगेटिव वाले को क्या करना है बेटा? देना है. अगर इसके साथ एंटीजन पाया गया आर एच पॉजिटिव वाला, तो ये तो जाकर रिएक्ट कर देगा निगेटिव वाले से. yes, है ना. ये कैसा होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए, ताकि पॉजिटिव को भी दे सके. अगर पॉजिटिव के पास गया तो क्या ये निगेटिव, इसके पास कुछ है ही नहीं तो रिएक्ट करेगा क्या? नहीं. नो मैम. निगेटिव के पास गया तो ना इसके पास कुछ, ना इसके पास कुछ, कोई रिएक्शन होगा ही नहीं. तो क्लियर बात समझ में आई क्यों ऐसा हो रहा है? yes, ma'am. ये पूरा होल कॉन्सेप्ट इज डन. यस मैम. यस. एक आपका पॉलीक्लोनल होता है, एक मोनोक्लोनल. तो पॉलीक्लोनल में क्या क्या चीजें पढ़ ली हमने? आपका डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज बनेंगी. एग्जांपल हो गया इसका ब्लड. मोनोक्लोनल पढ़ लें अभी. नेक्स्ट स्लाइड पे. यस मैम. यहां तक सबको क्लियर? हाँ, मोनोक्लोनल क्या है आपका? यहाँ पे क्या पाया जाएगा मोनोक्लोनल में? काफी सारे क्लोन्स बनेंगे, लेकिन किसके लिए? एक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज के लिए. ठीक है, क्या बनेंगे बेटा यहाँ पे? मैनी क्लोन्स फॉर वन टाइप ऑफ एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज कितने टाइप की? वन टाइप ऑफ एंटीबॉडीज. इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, इसको जिस टेक्निक से यूज किया जाता है, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से आपके क्वेश्चंस आते हैं. तो मोनोक्लोनल मतलब एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज के डिफरेंट क्लोन बना रहे हैं. ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को क्या बोला जाता है? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी. क्या बोला जाता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, पूरा लिख लो, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी. मतलब कुछ तो हाइब्रिड बन रहा है बच्चों. बन रहा है या नहीं बन रहा है? Yes, ma'am. तभी नाम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी रखा गया है, है ना. तो करते क्या बेटा, किसका किसका हाइब्रिड लेते हैं यहाँ पे? एक लेते हैं माइलोमा सेल. एक कौन सी सेल लेते हैं यहाँ पे? माइलोमा सेल. माइलोमा सेल क्या होती है आपकी? कैंसर कॉजिंग सेल. कौन सी है ये आपकी? कैंसरस सेल होती है. ठीक है, कैंसरस सेल की प्रॉपर्टी क्या है जल्दी से बताओ? कैंसर सेल की प्रॉपर्टी क्या है? प्रोलिफरेशन. मल्टीपल ऑफ कॉपीज बनाएंगी. हमको मल्टीपल ऑफ कॉपीज ही तो चाहिए. मैनी क्लोन्स फॉर वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी, है ना. तो ये क्या बनाएंगी बेटा, बताओ जल्दी से. माइलोमा सेल कैंसरस सेल है, तो वो काफी बार क्लोन हो जाएंगी. जल्दी 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 क्या करेंगी? प्रोलिफरेशन करेंगी. करेंगी इसको हमने किसके साथ इंट्रोड्यूस करा दिया? बी सेल के साथ. किसके साथ इंट्रोड्यूस कराया बेटा आपके? बी सेल के साथ. तो बी सेल क्या बनाती है? एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज. तो एंटीबॉडीज बनी. अब जब ये दोनों एक साथ मिलेंगी तो क्या हो जाएंगी? बहुत सारी एंटीबॉडीज बन जाएगी, क्योंकि कैंसर नहीं कॉज हो रहा, लेकिन इसका नेचर कैसा है आपका?
काफी जल्दी जल्दी डिवाइड होने का, तो बी सेल वाली प्रॉपर्टी मतलब एंटीबॉडी भी बन रही है और ये तेजी से क्या हो रही है, डिवाइड भी हो रही है, तो काफी सारी एंटीबॉडीज यहाँ पे बनेंगी या नहीं, बोलो जल्दी। बन जाएंगी, ठीक है। तो ये कैसी है सारी एंटीबॉडी, सेम टाइप है या डिफरेंट टाइप? सेम टाइप। तो सेम टाइप ऑफ एंटीबॉडीज बन गई हमारी, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है कौन सा, टिटनेस, ठीक है। जो टिटनेस की एंटीबॉडी बनाई जाती है वो किस मैकेनिज्म से बनाई जाती है, आपकी मोनोक्लोनल वाली। इज इट क्लियर एवरीवन, बताओ जल्दी से। नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर टाइप्स पढ़ लें एंटीबॉडीज की, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। और इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। तो इट विल बी लर्न बाय यू, ठीक है। अच्छे से कल सबको याद होना चाहिए, ठीक है, डन। अच्छा, मोनोक्लोनल बेटा क्या कर रहा है, काफी सारे क्लोन बना रहा है, लेकिन एंटीबॉडी का टाइप क्या है, सेम। मतलब अगर ए वाली एंटीबॉडी बन रही है तो सब जगह क्या बनेगी, बहुत सारी एंटीबॉडी तो बनेगी, लेकिन सारी कैसी होगी, ए वाली ही होगी। लेकिन यहाँ पे जब हमने पॉलीक्लोनल बनाई थी तो कुछ एंटीबॉडी ए वाली बनी थी, कुछ एंटीबॉडी कैसी बन गई थी, बी वाली, ठीक है। तो यहाँ कैसी बन रही है, मान लो सपोज एक एग्जांपल दिया, ए वाली बस बन रही है, ठीक है। टेक्निक यूज्ड कौन सी होगी, हाइब्रिडोमा, ठीक है। क्या होगी यहाँ पे आपकी, हाइब्रिडोमा। प्रीवियस स्लाइड चाहिए। यस मैम, डन, ठीक है। अब ये क्या बना रहे हैं बेटा, हाइब्रिडोमा बना रहे हैं, ठीक है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से मतलब हाइब्रिड। तो इन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया कि अगर एंटीबॉडीज वाली सेल, जो एंटीबॉडीज उनको प्रोड्यूस करनी है, उसको हम डाल दें किसमें, कैंसरस सेल में, ठीक है। तो कैंसर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो आपकी ये कैंसर कॉज नहीं करेगा, लेकिन ये कई बार डिवाइड तो करेगा, है ना। ये कैंसर सेल क्या करेंगी, आपकी कई बार डिवीजन करेंगी। तो यहाँ पे जो डिवीजन होगा उससे क्या हो जाएगा, दोनों सेल को हाइब्रिड किया, अब एंटीबॉडीज वाली बी सेल तो एंटीबॉडी बना रही है, माइलोमा सेल क्या कर रही है, रिपीटेडली डिवाइड कर रही है। तो क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनेंगी या नहीं बनेंगी? यस मैम, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनेंगी या नहीं बनेंगी, ठीक है। चलो क्लियर, चलिए ठीक। और एग्जाम्पल क्या है, बताया इसका टिटनेस, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, टिटनेस। तो टिटनेस की जो एंटीबॉडीज बनती है वो कौन सी टाइप की होती है, पॉलीक्लोनल या मोनोक्लोनल? अब क्वेश्चंस पर पूछे जाते हैं, मोनोक्लोनल। नेक्स्ट स्लाइड पे चले, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। अब कितने टाइप ऑफ एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है, किसी इंडिविजुअल में कौन कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। तो पहला हम टाइप लिखेंगे, एक चार्ट बना ले जल्दी से, ताकि रिवीजन में भी फिर क्या होती है आसानी। तो पहला टाइप्स, दूसरा परसेंटेज, कितने परसेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट है बॉडी में, फिर उसका स्ट्रक्चर, फिर क्या बनाएंगे आपका, पैराटोप्स, ठीक है। पैराटोप्स क्या है बेटा, वेरिएबल रीजन, जहां पे एंटीजन आकर के बाइंड होगा। और इसके क्या लिख लेंगे, फीचर्स, भैया काम क्या कर रहा है, हर किसी की जो स्पेशलिटी होती है, विच इज कॉल्ड एज, क्या कहलाती है बेटा आपका, फीचर्स, ठीक है। कुछ क्वालिटीज होंगी सब में, ठीक है। तो टाइप ऑफ एंटीबॉडीज में पहला कौन कौन सा होता है आपका, IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन, Ig का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, A। फिर क्या होगा आपका, IgM, फिर क्या होता है आपका, IgG, ठीक है, और कौन सी होती है, IgD और IgE, ठीक है। कितने टाइप हो गए बच्चों, फाइव। देखो
जब किसी चीज का आप बायोलॉजी या साइंस में किसी चीज का टाइप पढ़ोगे, ठीक है, तो टाइप भी डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं. कैसे? आपका एक तो हो गया अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, ठीक है, कि कैसी एंटीबॉडी बना रहा है, ठीक है, आपकी पॉलीक्लोनल या मोनोक्लोनल, क्लोन के अकॉर्डिंग कितनी हो गई. अब ये किसके अकॉर्डिंग बना बता रहा है? फंक्शन के अकॉर्डिंग. तो बेसिस अलग अलग हो जाते हैं हमेशा. जब भी आप टाइप्स पढ़ते हो ना, तो टाइप्स के बेसिस क्या होते हैं बेटा? अलग अलग होते हैं. तो वो बेसिस किसके ऊपर था? क्लोन के अकॉर्डिंग. ये बेस किसका? आपके फंक्शन और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसकी प्रेजेंस के अकॉर्डिंग. क्लियर? यस मैम. ठीक है, तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना. और किसी ने कुछ पूछा हुआ है? इसमें अच्छा, गोल्डन ब्लड ग्रुप बेटा आपका आर एच नल होता है, जो क्या होता है? रेयरेस्ट फॉर्म में पाया जाता है. ठीक है, शिवानी ने पूछा था. और एक किसी ने कुछ और क्वेश्चन पूछा है. बी सेल और टी सेल का फुल फॉर्म. आपका बी सेल बनती है बोन मैरो से, ठीक है, तो बोन मैरो आपका ब्लड से डिराइव्ड सेल्स होती है. और टी सेल्स बनती है थाइमस से, तो टी इज फॉर थाइमस, ठीक है, बी इज फॉर बोन मैरो. क्लियर? चलो, ठीक है. आईजीए आपका 10-15%. कितने परसेंट पाया जाता है बेटा ये? 10-15%. कितने परसेंट है ये आपका? 10-15%. ठीक है, दूसरा आपका ये क्या होता है? 10%. आईजीएम कितने परसेंट पाया जाएगा? 10%. आईजीजी पाया जाता है 75%. ठीक है, जो आपकी टोटल एंटीबॉडी बनती है उसका 75% कौन सी होती है? आईजीजी. ठीक है, तो सबसे मोस्ट अबंडेंट कौन सी है बताओ? आईजीजी. ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है विच इज द मोस्ट अबंडेंट, तो कौन सी है? आईजीजी. विच इज द लीस्ट अबंडेंट, तो कौन सी होगी? आईजीजी. ठीक है, अब यहाँ पे जो लार्जेस्ट वाली होती है ना, ठीक है, चलो पहले स्ट्रक्चर बनाने, फिर तुम खुद ही बताना कि कौन सी लार्जेस्ट है, कौन सी क्या है. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आपका? ये ऐसा, ठीक है, ये कौन सी है? दो एंटीबॉडीज इस तरह से जुड़ी है. तो ये आपका स्ट्रक्चर किसका हो गया बेटा? आईजीए का. ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं. ठीक है, कितनी है बेटा ये? पेंटामर. कैसी है ये आपकी? पेंटामर. 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है, थोड़ा सा ये वाला हो गया, समझ में आ रहा है सबको? यस मैम. फिर से ड्रॉ कर दूं. पेंटामर है. कैसी है ये आपकी? पेंटामर. ठीक है, फिर ये वाली कैसी होती है आपकी? दो हैवी चेन और दो लाइट चेन. ये वाली भी कैसी होगी? सेम एज इट इज. हाँ जी, क्लियर सबको? ठीक है, आप बताओ कितने पैराटोप हैं बेटा यहाँ पे? कितने पैराटोप हैं? तो एक पैराटोप, दूसरा कलर ले लूं, 1 पैराटोप, 2nd पैराटोप, 3rd and 4th. कितने पैराटोप हो गए? 4 पैराटोप्स आर देयर. ठीक है, यहाँ कितने पैराटोप्स होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक ये वाला 10. कितने पैराटोप्स होगा बेटा? 10. तो अगर पेंटामेरिक है तो क्या होगा आपका? 10. और दो है तो 4, मतलब जस्ट अब एक में दो होते हैं ना. यस मैम. अच्छा जी, मंच कर जो फिर से ड्रॉ कर देती हूँ. एक एंटीबॉडी में कितने पैराटोप होते हैं ये बताओ पहले मुझे. टू है ना?
तो पांच में कितने होंगे? टेन है ना। अगर कहीं पे दो है तो फोर। अभी क्लियर? ये पेंटामेरिक है, ठीक है। अभी क्लियर? तो एक यहाँ बाइंड होगा पैराटोप, एक यहाँ बाइंड होगा, एक यहाँ पे बाइंड होगा, एक यहाँ। दस हो गए, एक इस वाले पे, एक इस वाले पे हुए दस। बोलो yes, यहाँ कितने हैं बेटा? हाउ मेनी पैराटोप्स आर देयर इन द आईजीजी? ठीक है, अभी क्लियर सबको? yes. अब बताओ मुझे लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन सी होगी, जल्दी से बताओ लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन सी होगी? आईजीएम। ठीक है, तो कौन सी है आपकी, यहाँ पे लिख ले। यस मैम, लार्जेस्ट है। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो कौन सी होगी? आईजीजी होती है। आईजीजी कौन सी होती है आपकी? स्मॉलेस्ट वाली। और यही क्या करेगी, प्लासेंटा को क्रॉस करती है। यही क्या करती है आपकी, प्लासेंटा को क्रॉस करती है। मतलब सबसे पहले जो एंटीबॉडी आपकी जा रही है वो कौन सी है? आईजीजी। क्योंकि ये क्या काम कर रही है बेटा, क्रॉस द प्लासेंटा। प्लासेंटा को क्या कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है। ठीक है, क्लियर सबको? ठीक है, चलो अभी आते हैं यहाँ पे जो आईजीए है आपका। ठीक है, फीचर्स लिख लेते हैं। तो आईजीए का फीचर क्या होता है आपका, ये कहाँ पाया जाता है आपके क्लोस्ट्रम एंड सेलाइका में? कहाँ पाया जा रहा है? नोट कर लो, एक मिनट, एक मिनट रुकना। ठीक है, कहाँ पाया जा रहा है बेटा, क्लोस्ट्रम है सिलाइवा में। ठीक है, तो मदर के मिल्क में कौन सा एंटीबॉडी? आईजीए। कौन सा जाएगा आपका, जब मदर मिल्क की बात करेंगे तो कौन सा एंटीबॉडी की बात करेंगे हम? बोलो जल्दी। आईजीए। क्लोस्ट्रम आपका फर्स्ट वाला मिल्क होता है ना, ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, पड़ा हुआ है। तो आईजीए। सलाइवा में कौन सा है आपका? आईजीए। जो आपका लार्जेस्ट एंटीबॉडी है वो कौन सा है? आईजीएम। और यही लार्जेस्ट जो आपका एंटीबॉडी है जिसपे 10 पैराटोप्स पाए जाते हैं, ये आपका फर्स्ट एंटीबॉडी होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स वाला। कैसा एंटीबॉडी है ये? फर्स्ट एंटीबॉडी, जो कि क्या देता है आपका, इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स देता है। क्लियर? ठीक है, स्मॉलेस्ट कौन सा है? आईजीडी, जो कि क्या करता है, क्रॉस करता है प्लासेंटा को। आईजीडी कम होता है, इसका फंक्शन काफी क्लियर नहीं है। आईजीई जो होता है, ई से एलर्जी याद रखना, तो ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए होता है। क्या होता है ये, कब बनेगा, जब कोई भी एलर्जी कोई एलर्जी होगी तो कौन सा एंटीबॉडी डेवलप होगा बेटा? क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, एलर्जी एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस। क्लियर? बताओ। yes, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो मैम। जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है, आज इतना ही। फिर कल हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ेंगे, कैसे बन रही है, क्या कर रही है और किस तरह से कर रही है। अभी आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी वाली चीजें समझ में आ गई, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज एंड एवरीथिंग हैज डन? यस मैम। डन मैम। बेटा आईजीडी जो होता है ना आपका, बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, इसका फंक्शन स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, ओके मैम। एवरीवन हैज डन, एक बार यस लिख दो जल्दी से। मोस्ट अबंडेंट देख लो, परसेंटेज कौन सा है, 75 आईजीजी। सारी चीजें क्लियर सबको? यस मैम।
फीचर्स एक बार अच्छा फीचर्स बेटा आपका क्या है, देखो आईजीए कहाँ पाया जा रहा है, क्लोस्ट्रियम एंड सलाइवा में। अगर क्वेश्चन आता है कि मदर मिल्क में आपका कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, तो आईजीए। सलाइवा में कौन सा पाया जाता है, आईजीए। आईजीएम लार्जेस्ट होता है, ठीक है। और ये क्या बेटा, ये आपका सिलेक्शन है कि बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जा रहा, और यही एंटीबॉडी क्या कर रहा है, छोटा है सबसे, है ना, सबसे छोटा और सबसे मोटा एंटीबॉडी होता है आईजीजी, और ये क्या करता है, प्लासेंटा को क्रॉस करके जाता है, ठीक है। चलो अब ये क्या है आपका लार्जेस्ट वाला कौन सा होगा, आईजीएम। देखो पेंटामेरिक कितना बड़ा स्ट्रक्चर बना है, 10 आइसोटोप आपके पैराटोप्स हैं, और फर्स्ट एंटीबॉडी है जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। आईजीजी सबसे ज्यादा है, क्रॉस करता है प्लासेंटा को, सबसे स्मॉलेस्ट होता है। आईजीडी सबसे कम वाला है। आईजीई कब होगा, जब आपका एलर्जी क्या पैरासिटिक रिएक्शन होंगे, ठीक है, क्लियर। चलो ठीक है, मिलते हैं कल वाली नेक्स्ट क्लास में, ठीक। ये वाला सबसे यस, कल मिलते हैं आकाश, सी यू टुमारो, ठीक है। और फिर पहले क्वेश्चंस पूछूंगी, फिर आगे बढ़ाऊंगी, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सब लोग रिवीजन कर लेना। थैंक यू मैम, बाय मैम।